हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बनाने वाले हैं पुराने मोबाइल की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे हमने तीन मोबाइल की बैटरी ले ली हैं। एक बैटरी का यहाँ पे जो एमएच है वो 2600 एमएच की है और 2 एम्पियर की, और 4 वोल्ट की एक बैटरी है हमारे पास यहाँ पे। चलिए हम इसकी अब टेपिंग कर लेते हैं। हमको इसको अच्छे से इसमें टेप मारना है। फिर टेप मारने के बाद जो दूसरी वाली बैटरी को भी उस पर लगा देना है। लगाने के बाद उसमें भी हमको टेपिंग करना है। हमारी जो तीनों बैटरी होके रेडी हो गई है। फ्रेंड, आपको इसके कनेक्शन बता दें। यहाँ पे जो ब्लैक वायर, आपको ब्लैक वायर अलग कर लेना है। जो दोनों वायर हैं प्लस माइनस, यानी जो दूसरी बैटरी के प्लस माइनस, हमको दोनों को ज्वाइंट करना है, तब इसमें से निकलेंगे 8 वोल्ट। हम यहाँ पे दोनों बैटरी को ज्वाइंट कर दें। फिर इसके बाद जो दूसरी वाली बैटरी का ब्लैक हो, यानी उसका प्लस और उसके माइनस, प्लस माइनस उसका दोनों को ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद हमारा जो बैटरी कनेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा एक वायर बचेगा वो बैटरी का पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारे तीनों वायरिंग कंप्लीट हो गए। ये आपका ग्राउंड हो गया, यानी इसका नेगेटिव, और ये 8 वोल्ट का हो गया। ये 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, ये हो गया 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट हो गया यहाँ पे 12 वोल्ट। यहाँ पे हमारे दोनों वायर अलग निकाल लिए हैं। अब इसको चलिए हम मल्टीमीटर पर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अपना मल्टीमीटर ले लिया है। इसमें 12 वोल्ट 42 ऐसे ही दिखा रहा है, 42 43, इसमें ऐसी वोल्टेज जा रहा है इसके। 2 एम्पियर इसका लोड आ रहा है बैटरी का। हमारी जो बैटरी है यहाँ पे, इसका लोड 2.22 एम्पियर। फिर यहाँ पे हमने इसके एम्पियर चेक कर लिए हैं। ये बैटरी के एम्पियर एकदम सही आ रहे हैं। चलिए हम इसकी अब टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमने एक एलईडी बल्ब, या आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे एक ओल्ड वेस्टेज मटेरियल से एक लैम्प बनाया था। आप भी देख के एक लैम्प बना सकते हैं उसको भी। यहाँ पे हमने इसके पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव में नेगेटिव। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने वायर कनेक्ट कर दिए, लाइट हमारी जो चलना है वो चालू हो गई है। फ्रेंड, अगर आप लोग को अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना।